हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपको सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ एक पनीर की डिश शेयर करने जा रही हूं। पनीर की बहुत तरह की सब्जियां आपने खाई होंगी, जिसमें कि हम अगर कभी होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर जाते हैं या ढाबा जाते हैं, तो हम वहाँ पनीर लबाबदार मंगाते हैं। तो आपके साथ मैं पनीर लबाबदार की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। में हम इस सब्जी को बनाने के लिए हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। घी और बटर दोनों जाएगा, तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा सा भूनने देते हैं। जैसे जैसे मैं ये सब्जी बना रही हूँ, वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े, जिन्हें मैंने रफली ग्राइंड कर लिया है। अभी देखिए मैं इसको घी में डाल दूंगी। इसको ब्राउन होने देते हैं। अभी थोड़ा और भूनेंगे, एक या उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अभी इस टाइम पे हम इसमें ये मैंने 2 टमाटर ग्राइंड कर लिया है, अभी इसमें मैं कश्मीरी मिर्च डालूंगी, जिसका कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाले आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला कीजिए, जितना आपके घर में ज्यादा कम खाते हैं उसी हिसाब से। इसको भूनने के बाद अभी हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे सूखे। लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्ची पाउडर क्योंकि पनीर के साथ काली मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसमें डालेंगे एक हम स्पेशल मसाला। इस मसाले में जब हम पनीर लबाबदार बनाते हैं तो इस मसाले में हम ये जो सूखा मसाला डाल रहे हैं, इसमें पाव भाजी मसाला मिक्स होता है, सांभर मसाला मिक्स होता है और चाट मसाला मिक्स होता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अभी हम इसमें इस टाइम पर डालेंगे थोड़ी सी टोमेटो सॉस। को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और साथ में डालेंगे, देखिए ये मैंने पेस्ट बनाया है, इसमें है काजू, पनीर और मग्स, जो खरबूजे के बीज होते हैं उनको अच्छे से गर्म पानी में भिगो के
उनको अच्छे से गर्म पानी में भिगो के मैंने पीस लिया है। अभी मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूंगी। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसका एक बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अगर आपके पास कभी घर में मलाई या पनीर नहीं है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। काजू को हल्का हल्का दरदरा रहने दिया ऐसे, ताकि जब हम इसकी सब्जी खाएं तो काजू हर बाइट में आए। अभी इस टाइम पे हम इसमें बटर डालेंगे। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा। अभी हम इसमें एक चम्मच भर कर बटर डालेंगे, जिसका इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे अपने पनीर के क्यूब्स। ये आधा किलो पनीर है जिसे मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसकी हल्की ग्रेवी रखेंगे। अभी इसमें हम डालते हैं, देखिए मैंने हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज को ऐसे गोल गोल काट लिया है, वो इसमें डालेंगे हम इस तरह से, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी। अभी इसमें हम गरम मसाला, कसूरी मेथी, अभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने से पहले हम एक पनीर का टुकड़ा लेंगे और उसको ग्रेटर की हेल्प से ऐसे पनीर को इसके अंदर ग्रेट कर देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पनीर लबाबदार बनके तैयार है। जैसे कि बनाते वक्त आपने देख लिया होगा मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें मैंने आधा किलो पनीर लिया था, दो बड़े प्याज, दो बड़े टमाटर और एक छोटा टमाटर और एक प्याज को रफली गोल 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 काट लिया था ऐसे, और लंबी लंबी हरी मिर्ची डाली थी इसमें। बाहर पटाखे बज रहे हैं, इसके लिए जब भी मैं कुछ बोलने लगती हूँ बाहर पटाखा बज जाते हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो मैं आपको जैसे बता रही थी, मैंने इसमें गोल गोल प्याज और गोल गोल टमाटर और लंबी हरी मिर्ची काटी है, और इसके साथ मैंने थोड़ा बटर का इस्तेमाल किया है, इसको घी में बनाया है, काजू की पेस्ट जिसमें मैंने मेलन सीड्स डाले हैं उनको मैंने पीस के हल्का दरदरा मोटा पीस के इसके अंदर मिक्स किया है, और इसके अंदर मैंने एक स्पेशल मसाला डाला है जो कि बनता है चाट मसाला, पाव भाजी मसाला और सांभर मसाले से, और गर्म मसाले का यूज़ किया है, और इसमें मैंने सूखी मेथी या जिसको कसूरी मेथी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है। मैं जानती हूँ अगर आप ये डिश अपने घर में बनाएंगे तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे, एक बार ज़रूर बनाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में, तब तक बाय बाय।